कि आप भक्ति पथ से आएंगे या जन्मभूमि पथ से आएंगे तो अमावा राम मंदिर जो कि ये जस्ट सामने आपको दिखाई दे रहा है, अमावा राम मंदिर, और अमावा राम मंदिर के जस्ट सामने राम रसोई है जो कि यहाँ पे एक पर्ची मिलती है जो कि निःशुल्क है, और उस पर्ची में आपका आधार नंबर और आपका नाम, एज सारा कुछ लिखा जाएगा। उसके बाद वो पर्ची आपको दे दी जाएगी और उसी पर्ची के थ्रू आप इस मंदिर के अंदर जा सकते हैं और यहाँ पे भोजन कर सकते हैं जो कि निःशुल्क भोजन है। और अमावा राम मंदिर इस तरीके से बनाया जा रहा है, अभी भी यहाँ पे काम देख सकते हैं बिल्कुल चल रहा है, अभी भी बन के कम्प्लीट नहीं हुआ है। और यहाँ पे प्रसाद मिलता है जो कि अंदर चढ़ाया जाता है। तो दोस्तों आज इस वीडियो में आपको अमावा राम मंदिर से जो भक्ति पथ है उसका अपडेट मिलने वाला है। तो चलिए आपको दिखाते हैं अब भक्ति पथ को किस तरीके से डेवलप किया जा रहा है, किस तरीके से जो काम बचे हुए थे सारा काम किया जा रहा है। श्री राम। दोस्तों मैं रवि शुक्ला अयोध्या से, दोस्तों अपने यूट्यूब चैनल रवि शुक्ला यूपी 42 में आप लोगों का स्वागत करता हूँ। दोस्तों हमारे पीछे आपको दिखाई दे रहा है ये है अमावा राम मंदिर का जो मुख्य प्रवेश द्वार है ये बनाया जा रहा है। यहाँ पे इसी द्वार के थ्रू आप अंदर एंट्री कर पाएंगे। तो आज इस वीडियो में आपको अपडेट मिलने वाला है अमावा राम मंदिर से भक्ति पथ का। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। तो आइए चलते हैं और आपको दिखाते हैं अब भक्ति पथ किस तरीके से जो काम बचे थे उन कामों को किस तरीके से यहाँ पे किया गया है। तो सारी कुछ जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो चलिए दिखाते हैं और आपको बताते हैं भक्ति पथ किस तरीके से डेवलप किया जा रहा है। दोस्तों जब भक्ति पथ पे आएंगे तो यहाँ पे साइड साइड में भक्ति पथ स्टार्ट ही होते और ये साइड साइड में दुकानें लगाई गई हैं क्योंकि अनेक प्रकार की यहाँ पे मूर्तियाँ आपको श्री रामचंद्र जी की, हनुमान जी की, यानी अनेक प्रकार की मूर्तियाँ यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। दोस्तों चाहे वो हो, अगर आपको देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे जगह जगह पे दुकान साइड साइड में यहाँ पे लगाई गई है। और इस साइड की मैं बात करूँ तो इस साइड अभी बिल्कुल बन रहा है, जैसा कि मैंने अगले वीडियो में भी दिखाया था तो काम शुरू हुआ था लेकिन काम बिल्कुल ख़त्म होने वाला है, लास्ट दौर पे है ये काम। बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 दिन में ये काम ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद जैसे इस साइड आपको दिखाई दे रहा है उसी तरीके से इस साइड भी आपको देखने को मिलने वाला है। देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे प्रभु श्री रामचंद्र जी का, दुर्गा जी का, यानी हर एक देवी देवता जो हैं उनके यहाँ अनेक प्रकार की मूर्तियाँ आपको मिल जाएंगी। तो यहाँ पे आप प्रसाद के रूप में अगर अयोध्या आ रहे हैं तो प्रसाद के रूप में कुछ भी ले जा सकते हैं जो कि आपको वीडियो के थ्रू दिखाई दे रहा होगा। प्रसाद के रूप में वो चाहे सिंदूर हो, चाहे वो अपना प्रसाद के रूप में ये सारा जो सामने आपको दिखाई दे रहा होगा। दोस्तों आप अयोध्या में कहीं भी आ रहे हैं तो ये जो भक्तों का जनसलाब है ये हर एक जगह आपको देखने को पूरी अयोध्या में मिल जाएगा, चाहे वो इस साइड हो। देख सकते हैं इस साइड भी हनुमान जी का झंडा यहाँ पे लगाया गया है और यहाँ से आप खरीद के ले जा सकते हैं, लेकिन आपको ये महंगा यहाँ पे पड़ सकता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप बाहर से लीजिए, यानी अयोध्या के बाहर से ही भी काफ़ी सस्ते दामों में ये सारे कुछ मिलने वाले हैं। बस आप यहाँ से प्रसाद ले जा सकते हैं जो कि प्रसाद एक अनिवार्य है यहाँ से ले जाना। आप देख सकते हैं किस तरीके से भक्ति पथ को बनाया गया, बना के तैयार किया गया है और जगह जगह यहाँ पे डस्टबिन रखी गई हैं जिसका लोग यहाँ पे प्रयोग कर रहे हैं। और इस साइड देखिए ये राजा दशरथ जी का महल है जो कि ये पीछे की दीवार है आपको दिखाई दे रहा है, इसको बनाने का काम चल ही रहा है जो कि यहाँ तक आप देख सकते हैं बनके कंप्लीट हो चुका है, लेकिन यहाँ इस साइड कुछ अभी पीछे वाला भाग बचा हुआ है। तो आइए मैं जो राजा दशरथ जी के महल का मुख्य द्वार है उसको दिखाने का प्रयास करता हूँ। देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे जो दुकानें हैं एक ही लोगो, यहाँ पे एक ही कलर की सारी दुकानें बनाई गई हैं। तो ये है राजा दशरथ जी का महल।
आप अंदर गए होंगे तो आपको पता होगा कुछ मुख्य प्रवेश द्वार जो है उसको रीडेवलपमेंट किया जा रहा है, यानी नए तरीके से बनाया जा रहा है। अभी काम इस पे चल ही रहा है। और इस साइड आप जब जाएंगे तो आपको हनुमानगढ़ी का जो ऊपर का भाग है, शिखर आपको दिखाई दे रहा है। चलिए हनुमानगढ़ी का आप लोगों को सामने से वहाँ पे दर्शन करवाते हैं और देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे जगह जगह पे प्रशासन के लोग भी मुस्तैद है और यहाँ पे कूड़ा कचरा आपको नहीं देखने को मिलेगा। दोस्तों ये जो देख रहे हैं, मैंने अगली वीडियो में ही आपको भी बताया था कि इस पर काम चल रहा है, पूरा होने ही वाला है, लेकिन अभी ये काम पूरा नहीं हुआ है। देख सकते हैं किस तरीके से काम यहाँ पे किया जा रहा है। यहाँ पे साइड साइड से देख सकते हैं किस तरीके से दीवार टाइप का यहाँ पे बना दिया जाएगा कि इस साइड से किसी को शायद जाने नहीं दिया जाएगा। सिर्फ एक गेट होगा, उसी के थ्रू यहाँ पे आप जा सकते हैं। दोस्तों अब मैं आ चुका हूँ महाबली सरकार यानी हनुमान जी के दरबार में। ये इधर आपको देखने को मिल जाएगा रामपथ से ये लाइनें लगवाई गई हैं प्रशासन के थ्रू, और देख सकते हैं ये लाइन जाके महाबली सरकार इनके दरबार में ख़त्म हुई है। और अभी अंदर जाना नहीं दिया जा रहा है क्योंकि कुछ लोग अंदर गए हुए हैं, उनको दर्शन करने के तत्पश्चात इनको यहां से छोड़ा जाएगा। प्रशासन देख सकते हैं भारी संख्या में मुस्तैद है। हमारे महाबली सरकार के दरबार का कुछ इस तरीके का ये नज़ारा है। अगर आप नहीं आ रहे हैं तो आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग एक बार अयोध्या ज़रूर आइए और हनुमान जी से परमिशन यानी हनुमान जी का दर्शन करने के बाद ही रामलला का दर्शन करिए। ऐसा माना जाता है, ऐसा लोग कहते हैं कि पहले हनुमान जी का दर्शन होगा तभी रामलला का दर्शन हम लोगों को करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। तो देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे कितनी भारी संख्या में यहाँ पे राम भक्त आए हुए हैं। दोस्तों अब चलते हैं आपको और दिखाते हैं राम पथ कहाँ से स्टार्ट हुआ है। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा मैं आगे चल के आ चुका हूँ जहाँ से ये भक्ति पथ स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे एक बात यहाँ पे खास मुझे लगी कि जो सफाई है, सफाई को लेकर यहाँ पे काफ़ी ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि कहीं भी आपको मैं वीडियो के थ्रू लाइव आपको दिखा रहा हूँ, कहीं भी ये एडिटिंग वीडियो नहीं है, कहीं भी आपको यहाँ पे कूड़ा कचरा देखने को नहीं मिलेगा। आप चाहे इस साइड की बात करूँ चाहे इस साइड की, इतनी भारी संख्या में यहाँ पे भक्त आ रहे हैं लेकिन यहाँ पे आपको कहीं भी कचरा नहीं देखने को मिलेगा। यानी जगह जगह पे यहाँ पे डस्टबिन को रखवाया गया है और ध्यान दिया जा रहा है। देख सकते हैं एक भाई साहब जस्ट सामने ही अब ये डस्टबिन के पास में खड़े हैं और यहाँ पे जो भी कूड़ा हो रहा है, अगर कोई किसी को जानकारी नहीं है, अगर बाहर फेंक रहा है तो यहाँ पे उठा के डस्टबिन में डालने का काम कर रहे हैं। देख सकते हैं यहाँ से ये सामने आपको जो दिखाई दे रहा है, सामने ये है राम पथ और यहीं से कट जाएगा ये भक्ति पथ के लिए और वो रोड सीधा आपको निकल जाएगी। ये रोड जो है ये सीधा राम पथ की ओर से आपको जन्मभूमि पथ पहुंचाएगी और ये है भक्ति पथ जो कि हनुमानगढ़ी यानी महाबली सरकार के दरबार को ये रोड ले जाएगी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, कुछ मिलेंगे अगली वीडियो में। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। जय हिंद, जय श्री राम।